अस्सलामुअलैकुम। आज हम आए थे अल्लाह रखा भाई के एक कज़न है, दोस्त है आपके कज़न है, ये भाई कज़न है काजी आजम का मज़ार घूमने, लेकिन इस पनौती को हम साथ ले आए, पता चला मज़ार ही 2 महीने से बंद है, वो 2 साल से बंद है, तो ये न्यू म्यूज़ियम खुला हुआ था, यहाँ आए हम आपको काजी आजम साहब की जो इस्तेमाल की चीज़ें जिसमें पहाड़ और बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पर हैं, हम आपको अब वो दिखाते हैं, आप वो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपको कैसा लगा, हमें तो बहुत बुरा लगा क्योंकि मज़ार बन गए। ये आप देख सकते हैं कायदे आज़म के इस्तेमाल शुदा चीज़ों का आगाज़ हम यहाँ से करते हैं, वो देखें कायदे आज़म साहब की तस्वीर ऑफिस में मौजूद है, कायदे आज़म साहब अपने, ये कायदे आज़म मिल्लत कौम का सरमाया हमारे जो यहाँ ये सामान रखा है, हम आपको मज़ीद आगे दिखाते हैं। ये मज़ीद हम आ गए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म अपनी लाइब्रेरी में दिल्ली वाली, ये शायद चंद किताबें जो कायदे आज़म साहब पढ़ते थे आप देख सकते हैं, हम मज़ीद आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं, आप देखें ये कायदे आज़म साहब की कुछ यादगार तस्वीर है, एक मिनट, ये कायदे आज़म साहब कायदे आज़म पटना जवाहर लाल मंदी के हमरा हमालिया, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ तस्वीरें कायदे आज़म साहब की यादगार तस्वीरें खान लियाकत अली खान साहब के साथ, ये देख सकते हैं कायदे आज़म साहब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हुए दरवाज़ा खोलते रहे हैं, आप देख सकते हैं ये कायदे आज़म साहब स्टेट बैंक पाकिस्तान का इफ्तिताह कर रहे हैं, तहरीक पाकिस्तान की वो यादगार तस्वीर, कुछ वो मुआहदे हैं जो आया करते थे, और ये शायद अल्लाह बेहतर जानता क्या है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये वो ताबूत है जिसमें कायदे आज़म साहब हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, ये आप देख सकते हैं बेड सिंगल बेड है जी, ये तो ये कायदे आज़म साहब का फर्नीचर जो आपके इस्तेमाल में होता था, वो जूते हम आपको जूम करके दिखाते हैं, जड़ ये जंग का सामान जो कायदे आज़म साहब मोहम्मद अली जिन्ना खुद इस्तेमाल करते थे, ये देखें बंदूक पे कायदे आज़म साहब का नाम भी लिखा, हम आपको जूम करके दिखाते हैं, ये देखें ये हमारे हाथ ही इतने हिले, कुछ जूम ही नहीं हो रहा, देख सकते हैं आप सामान चेक करें, तलवारें आज़म साहब को जिस चीज़ का शौक था वो स्पोर्ट्स का सामान है, ये कायदे आज़म साहब की इस्तेमाल करता छुरी चमचा और कांटा, ये आपका इस्तेमाल करता डिनर सेट, डाइनिंग टेबल, ये
मोहतरमा जिना के साथ। आगे आप ये मज़ीद देखें, मज़ीद सामान, ये वो शेर की खाल, खड़े हो जाओ, ये वो शेर की खाल है, देख सकते हैं आप। ये सोफ़ा सेट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का। अब हम यहाँ आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, शायद हमें समझ में नहीं आ रहा लेकिन आप पढ़ सकते हैं खुद, ये क्या क्या है। ये माशाल्लाह कुछ और कीमती सामान, अजी उस टुकड़े में बड़ा रश है, क्या कर रहा था आदिल भाई? कहाँ है हमारे साथ आए आदिल भाई, आप भी हमारे साथ आए हैं, कहाँ गए हुए थे भाई? मुंह पूरा दिखा दो बंदे का तुम ना, कहाँ गए हुए थे? अच्छा चले, आप उस वो जो कपड़े कायदे साहब इस्तेमाल करते थे ना वो देख लिया आपने? चापा हम भी देखते चल के आ जाए, बहुत ज़रूरी कॉल आ गई थी बीच में तो हमने वीडियो काट दी, अब हम दोबारा वीडियो बना रहे हैं। ये कायदे आजम के इस्तेमाल शुदा चीज़ें देख सकते हैं, आज हम खुद भी लेडीज का काम कर रहे हैं, बेफिक्र हो जाए। ये सबके वो कपड़े जो कायदे आज़म साहब पहनते थे, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये कायदे आज़म के भाई हैं अहमद अली जिना, कायदे आज़म के वालिद मोहतरम जिना, कायदे आज़म की मुंबई बैरिस्टर एक तस्वीर। मेरा फारिक थोड़ी हूँ, चले नुमाइशदा में रहने वाले नवाकात को कायदे आज़म की हमेशा मोहतरम शेख बानी ने। अच्छा चले हम आपको अब कायदे आज़म की इस्तेमाल शुदा दो कारें दिखाते हैं, सारी चीज़ों की वीडियो बना ली, बस दो एक चीज़ रह गई कायदे आज़म साहब की कार, वो हमारे पीछे खड़ी हुई है, अभी हम जाते हैं उनकी वीडियो बनाते हैं। आदिल भाई ने सब कुछ देख लिया? आदिल भाई जी, भाई आदिल भाई ने बहुत देख लिया, तुमने सोचा भी नहीं क्या देख लिया? अरे कहना क्या चाहते हो? पानी में घूम रहे थे। अच्छा चले हमारे लिए अब हम आपको कार की वीडियो दिखाते हैं बैक कैमरे से, ये वाइट कलर की कार, हम आपको जूम करके दिखाते हैं कौन सा मॉडल है क्या है। पाकिस्तानी ये ब्लैक कलर की एक और कार, अरे कार का शायद अल्लाह रखा कितना बड़ा यार, अभी लैंड क्रूजर का इतना बड़ा है ना, लेकिन माशाल्लाह बेहतरीन कार आप देख सकते हैं, इसका मॉडल और नंबर हम आपको देखते हैं। ये देखिए 1947 का मॉडल है हाजी, पाकिस्तान बनने तक बनने वाले सन का। चलें बहरहाल ये पूरा काउंटर तो हम भूल ही गए थे, ये उस दौर के पाकिस्तानी नोट हैं, पाकिस्तानी है ना, हुकूमत है पाकिस्तान, पाकिस्तानी करेंसी। ये देखें आप, ये इतना बड़ा नोट है, आज तो 1000 का भी इतना बड़ा नहीं है, 100 का है भाई, 100 का नोट है, वो कितने का है? 10,000 का। अब 100 का ऊपर लिखे हुए तो है 100 रुपये, ये देखो ये 100 रुपये, 100 लिखे हुए, वो नंबर है नोट का है ना, नंबर है ना भाई, भी बोला नंबर है। ये सिक्के क्वाइंस, कायदे आज़म साहब यही डिबिया हाथ में लेके बैठे हैं, चेक कर सकते हैं आप। और ये टिकट आजी जो आज लगते हैं, ये तो आज तक ऐसे ही है, टिकटों की बड़ी वैल्यू है भाई।
ये तेरी ये हम भूल गए थे, इसीलिए हमने अभी ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह कायदे आज़म के इस्तेमाल में जो कुरान शरीफ थे ये वो है भाई, मुख्तलिफ किताबें वो तो कुरान मजीद ही है, आप देख सकते हैं ये सारी किताबें माशाल्लाह सारे कुरान पाक हैं, सारे ही कुरान पाक हैं माशाल्लाह से। जो लोग बोलते थे ना कायदे आज़म सेकुलर थे, आप वो देख सकते हैं कि उनके इस्तेमाल में कितने सारे कुरान शरीफ थे। आप पीछे देख सकते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। ये लोग बोल रहे हैं जब से कोरोना आया ना 2 साल हो गए अंदर जाने नहीं, तेरे पता नहीं अंदर कोरोना ढेर गया है, अल्लाह बेहतर जाने क्या सीन है। नहीं वो कायदे या तो इनके जो सारा कराची का कोरोना पकड़ गया। हाँ ये बात भी भाई सही बोली अमीन भाई ने कि कराची का कोरोना जितना है शायद अंदर बंद किया हुआ, इसीलिए या तो आर्मी अंदर पाबंदी है बाकी सब खुला हुआ है, समझ से बाहर है कि अंदर के लिए क्यों बंद किया हुआ है, बहर अल्लाह बेहतर जानता है। अरे हाजी मैंने अंदर दो कब्रें भी देखी थी यार अंदर म्यूजियम में, हाँ हम लोग नहीं गए कब्र पे सही हाजी। चले बहरल अभी हम यहाँ थोड़ी बहुत तस्वीरें वीडियो बनाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत खतरनाक है और इधर चप्पलों के साथ भी आना अलाउ नहीं है, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही क्यों 2 साल से बंद है ना, जबकि फोटोग्राफर घूम रहे हैं पाकिस्तान में जो है ना महंगाई इस वजह से हो गई है। बस बहरल चले अब ये भाई आए थोड़ी हम इनकी वीडियोज बनाते हैं, हम अपना ब्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे चैनल पे आप ब्लॉग देखेंगे। वाचिंग टू रिज़वी बॉयज़। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं आज उस मर्द कलंदर मर्द हक के मज़ार पर मौजूद हूँ। मुझे तो सबसे पहले बहुत हैरत हुई कि लियाकत अली खान लियाकत अली खान साहब का मज़ार यहाँ पर है। हम कराची में रहते हुए इस चीज़ का हमें इलम नहीं था, आज हमें इस बात का पता चला है। तो मैं इनके मज़ार मुबारक पर बादब हाज़िरी देने की कोशिश करता हूँ, तो लेकिन मैंने सोचा कि एक छोटा सा क्लिप बनाकर आप लोगों को भी दिखा दूँ कि ये मर्द कलंदर भी कराची में मौजूद हैं और ये इनकी बेगम है वाइफ जो इनके साथ ही, उनका भी मज़ार मुबारक है। और मैं मज़ीद आपको कीमती असासे जो हमारे मुल्क के थे उनके मज़ारात आपको दिखाता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम एक और खातून अव्वल मोहतरमा फातिमा जिना के मज़ार में मौजूद हैं। ये शायद आप लोगों को पता हो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह की बहन है और ये दो हस्तियां और हैं, हम इनके मज़ार पे चलते हैं। मोहम्मद नूरुद्दीन मेमन इन्हें हम नहीं जानते कौन है लेकिन शायद यहाँ दफन है तो कोई ना कोई हस्ती होंगे। एक कब्र मुबारक हो रहे हम वहाँ भी जाके देखते हैं कि वो कौन है, फिर इंशाल्लाह बाद अब यहाँ हाज़िरी पेश करके दुआ करेंगे। सरदार अब्दुल शब्बीर ये शख्स भी पता नहीं कौन है लेकिन अल्लाह इन सब के सदके हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।